हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड पैराडाइज। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही लाजवाब और डिलीशियस सा स्नैक्स, दही के शोले और दही के कबाब। ब्रेड कर्ड फायर रोल, जिसे दही के शोले कहते हैं, यह दही के कबाब और ब्रेड रोल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। दोनों की फीलिंग भी ऑलमोस्ट सेम है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, दही के कबाब और दही के शोले। स्टफिंग के लिए हमें सबसे पहले चाहिए हंकर्ड। दही को एक मलमल के कपड़े में टांग देंगे 3-4 घंटे के लिए, पूरी तरह से पानी निकल जाए तो यह हंकर्ड तैयार हो गया। एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप हंकर्ड लेंगे और 1 कप ग्रेटेड पनीर लेंगे। चॉप्ड ग्रीन चिली, ग्रेटेड जिंजर, चॉप्ड अनियन, ग्रेटेड कैरेट, ग्रीन कोरिएंडर, चॉप्ड कैप्सिकम, 1 टीस्पून कूटी लाल मिर्च डालेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वन टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और स्वादानुसार नमक डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही की स्टफिंग तैयार हो गई है। अब ब्रेड स्लाइस लेंगे, इसके किनारे को काट लेंगे, बेलन से बेल लेंगे और हल्का सा वाटर छिड़क कर इसके किनारों पर मैदे का घोल लगाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, और बीच में 1 चम्मच स्टफिंग रख कर इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये आपका ब्रेड कर्ड फायर रोल तलने के लिए तैयार हो गया। इसी तरीके से सारे ब्रेड के शोले को बना लेंगे। ब्रेड को बेलने वाला प्रोसेस जरूरी है क्योंकि ऐसा करने से तेल कम सोखता है। फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दही के कबाब के लिए सेम स्टफिंग में 1 टेबलस्पून चने का सत्तू मिला लेंगे। और 1 प्लेट में ब्रेड क्रम्स ले लेंगे। स्टफिंग को प्रॉपरली मिक्स करने के बाद थोड़ी सी स्टफिंग हाथों में लेकर गोल करेंगे और ब्रेड क्रम्स में इस तरह से लपेट लेंगे और इसे थोड़ा सा चिपटा करके कबाब का शेप दे देंगे। सेम तरीके से सारे दही के कबाब को बना लेंगे। अब चलिए दही के शोले और दही के कबाब को तलने की तैयारी करते हैं। एक पैन में ऑयल गरम करेंगे और पूरी तरह से गरम होने के बाद इसमें दही के शोले को डालेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको डीप फ्राई करेंगे। इसे धीमी आंच पर नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ब्रेड बहुत ज़्यादा ऑयल सोख लेगा। अब
दही के कबाब को भी फ्राई करेंगे। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इसे तेज आंच पर नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो अंदर कच्चा रह जाएगा और अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा। इसे धीमी आंच पर ही सेकना है। गोल्डन ब्राउन होने पर इसे भी छानकर निकाल लेंगे। ब्रेड कट फायर रोल और दही के कबाब तैयार हो चुके हैं। इसे गर्मा गर्म खट्टी और मीठी चटनी के साथ सर्व कीजिए। फिर मिलते हैं एक डिलीशियस से रेसिपी के साथ। थैंक यू।